ये सब किस लिए सोमराज? आपका ऐसे भागना और हमको भागना, मैं बहुत कमीना हूँ, जानते हो ना? क्या मांगा था? घर मांगा था, तुमने मना कर दिया। उस घर के साथ साथ अब तुम्हारी जान भी लेना पड़ेगा, यही चाहते हो? गौरी, मेरे पास अपने बच्चों के लिए बस यही एक घर बचा है, मेहरबानी करके मुझे और मेरे घर को छोड़ दो। इतनी दूर आने के बाद तुझे छोड़ना मुश्किल है, बहुत रिस्की है। अरे इतने महंगे उस इलाके में जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो घर नहीं हो सकता। क्यों रे? हाँ भाई, दिल इधर होता है कि इधर होता है? इधर ही भाई। हाँ इधर ना। हाँ भाई। गया क्या? इसके लिए अच्छा है कि एक और बुलेट डाल दूँ। नालायक, नालायकों का नालायक। अरे कहाँ चला गया ये? पता नहीं आज हमारी किस्मत में मंदिर जाना है कि नहीं, कब अकल आएगी इसे। क्यों आप हमेशा मेरे बेटे के लिए गालियाँ बकते हो? नहीं तो क्या फिर उसे प्यार करूँ? मंदिर जाने के लिए चार घंटों से कपड़े पहनकर बैठा हूँ। मतलब चार घंटे पहले बिना कपड़ों के घूम रहे थे जीजा जी? चप्पल से मारूंगा। चार घंटों से तैयार होकर बैठा हूँ, अब 5 बज रहे हैं। एक घंटे के बाद 6 बज जाएगा, 2 घंटे बाद 7 बज जाएंगे, फिर मंदिर बंद हो जाएगा। आखिर कहाँ गया होगा ये? वो कह रहा है ना कि वो नहीं जानता। इसका मतलब तुम जानती हो, बताओ क्या क्या कर गया है? बाहर जाते वक्त कहाँ जा रहा है ये पूछने के लिए आप ही ने तो मना किया था। नाटक कर रही हो क्या? बाप रे, वो आ गया। आ गया? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। ऐसे ही आपको खुश करने के लिए कहा था जीजा जी। हाँ। क्यों जीजा जी, मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? ऐसे ही तुम्हें खुश करने के लिए मारा है। बताओ वो आएगा या नहीं? उधर से आऊंगा कहा था जीजा जी। उधर मतलब किधर से? उधर से आने के लिए कहा था पर किधर से आएगा नहीं बताया। मैं तेरा गला दबा दूंगा। छोड़ दीजिए जीजा जी, मैं अपनी बहन के इकलौता भाई हूं। चुप कर, नहीं तो मार डालूंगा। चल जल्दी से सच बता कहां गया है वो। बात ये है कि वो डिस्को गया है, मैं नहीं बताऊंगा जीजा जी। डिस्को गया है? पर उसे पैसे किसने दिए? मुझे क्यों देख रहे हैं, पैसे मैंने नहीं दिए। उसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो अगर चाहे 5 मिनट में सिंगल हैंड से कमा लेगा। बहुत बड़ा पहलवान जैसा लगता है। इस बच्चे के हाथों हार गया तू? हेलो, जीतने वाले को एनकरेज करो, गलत नहीं है, लेकिन जो हार रहा है उसे डिस्करेज मत करो। जीत हासिल करने के लिए ताकत नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। ख्वाब में देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना में देखूं, दौलत शोहरत भी कभी भी ना मैं चाहूं, बंदिशों में रहना कभी ना मैं चाहूं, मस्ती से जीने का नाम जिंदगी। थोड़ा साहस है काफी, थोड़ा पैसा है काफी, थोड़ा दम ही है काफी, थोड़ा दिल ही है काफी। सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं। ओ
मेरे रूम की ना मैं तो चाहूँ बस एक बाइक है काफी। जीवन साथी के रूप में कैटरीना ना चाहूँ बस एक लड़की अच्छी काफी। नहीं डूबना है नशे में मुझे ओवर ड्रिंक पीकर बस एक बियर है काफी। नहीं चाहिए दुनिया सारी साथ रहे ये मेरे बस ये दोस्त है मेरे काफी। खुशियों से जीने का नाम जिंदगी। थोड़ी धड़कन है काफी थोड़ी तड़पन है काफी थोड़ा जिगरा है काफी थोड़ा नाम है काफी। सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं। On the rubber double line, big band rhythmic band they get sent. Wine and dice up on the rubber double line, big band rhythmic band they get sent. कंप्यूटर से देखो दुनिया प्यारी बस एक प्यार दिया है काफी। नहीं चाहिए सात आसमां रहने के लिए मुझको एक छोटा सा घर है काफी। नहीं जरूरत जीने को ऐशो आराम की मुझको बस थोड़ा सा चैन है काफी। ना मैं चाहूँ कल की चिंता कल के सपने मुझको बस है आज ही जीना काफी। मस्ती से जीने का नाम जिंदगी। थोड़ी दौलत है काफी थोड़ी शोहरत है काफी थोड़ी हिम्मत है काफी थोड़ी चाहत है काफी। ख्वाब मैं देखूं सपना मैं देखूं ना मैं चाहूं ना मैं चाहूं। अपने सुहाग रात पर भी मैंने इतना इंतजार नहीं किया। अरे बाबा फिर क्यों उस बुरे सपने की याद दिला रहे हो? बुरा सपना क्यों दीदी? उस दिन भी कोई मंदिर का प्रोग्राम रखा था जीजा जी ने। अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा। उसके लिए और इंतजार करना बेकार है जीजा जी। ओ बहुत रात हो चुकी है गुड नाइट कहकर सोते हैं। ए तू रात में नींद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और दिन में भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हे भगवान अरे ये कैसा इंसान है। मुझे यही लगता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। खामखा अपना करंट बिल बढ़ जाएगा मैं कहती हूँ। मैं कुछ कहता हूँ तो जीजा जी चिल्लाते हैं। ज़बान फिसल गई। ये नमूना क्या तुम्हारे ही घर का है? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये मेरे पिता का रूप है। अरे छोड़िए इन बातों को जीजा जी। वो रातों रात सड़क पर इस तरह घूम रहा है तो उसका कोई कारण होगा। लेकिन अपना क्या है? उसके लिए बेकार में इंतजार करने से हाथ पैर लीवर किडनी हार्ट बॉडी के सारे पार्ट खराब हो सकते हैं। चलिए सोते हैं ना जीजा जी। ठीक है यहाँ से दफा हो जाए। कौन है ये? अरे जीतू क्या बात है तू पिक्चर गया था ना? अब तू गया काम से। जीजा जी जीजा जी शर्त में जीते हुए 100 रुपए। ये रुपए मैं आप ही के लिए लाया हूँ मामा जी। एक रुपया खर्च नहीं किया। जीतू वेनू जीतू वेनू जीतू ये कौन है? पापा ए, वो रात में आकर कितना भी चिल्लाए दरवाजा नहीं खोलना। नहीं खोलूंगा। खोलेगा तो जान से मार डालूंगा। ओके जीजू ये कौन है? कौन है ये?
अरे शकीरा क्यों सता रही है, सोने देना। वो तो हॉट आइटम है यार। बता ये अंदर किधर से आया? बेचारा कहीं से भी आया होगा। ये 100 रुपए आप रखना और उसे कुछ मत कहो जीजा जी। अरे रुक जाइए, आप इसे ऐसे क्यों मार रहे हैं? ये सारी खिड़कियाँ भी बंद हैं। देखो ये सारे दरवाजे भी बंद हैं। फिर बताओ ये अंदर कैसे आ गया? अरे बाबा, खिड़कियाँ दरवाजे बंद होने पर भी मेरा बेटा अंदर आ गया। देखिए कितना बहादुर है। बेटा बेटा, तुझे कोई चोट तो नहीं आई? मम्मी मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो ना। सोए हुए बेटे को पैसे मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इसकी तरफदारी मत करो। ऐसे नालायक को जन्म देकर मुझे खुद से नफरत हो रही है। सेम फीलिंग जीजा जी, आपको देख के मुझे ऐसा ही लगता है। अपने प्यारे बेटे को उठाकर खिला दो, कहीं सुबह तक यह भूख से मर ना जाए। जरूरत नहीं है जीजा जी। क्या कहा? बिरयानी, बिरयानी जीजा जी। क्या कह रहा है, शनिवार को बिरयानी? हे भगवान। वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। कॉफी लाओ मेरे लिए। ठीक है, अभी लाई। गुड मॉर्निंग पापा। रात में कहाँ था तू? मैं तो घर पे ही था, दोपहर को खाना खा के सो गया था। आग खुली तो रात हो चुकी थी, मंदिर जाने का टाइम हो गया पर पापा अभी तक नहीं आए। घबरा कर उठा तब पता चला सुबह हो गई है। सुन लिया ना? क्या माँ, घर में बेटा थककर सो गया, उठाकर खाना खिलाना ये भी तुम भूल गई हो क्या? अरे बेटा, कल शाम तेरे रूम में मैंने देखा तो सिर्फ खाली बेड ही नजर आया। उस पर कुछ सो रहा था। खाली बेड नहीं था माँ, उसपे मैं था। चप्पल संभालना, बंद करो ये ड्रामा। तुम अंदर जाओ। जीतू चल चलते हैं। कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है ना। पर आज तो रविवार है, कॉलेज नहीं रहता। रविवार हो या सोमवार हो, कॉलेज कहीं नहीं जाता है, वहीं रहता है, हमको जाना पड़ता है। हे पापा आज मत रुकिए, आज एडमिशन्स हैं। सच है? सच में पापा। ठीक है, एडमिशन के बाद सीधे तुम घर आना। बीच में फिल्म जाने की कोशिश की तो पैर तोड़ दूंगा। मॉम 100 रुपए दो ना। वहाँ उस डिब्बे में रखे ले लो। ₹100 किस लिए? पिक्चर के लिए। क्या कहा? दरअसल मैं फिल्म देखना ही नहीं चाहता पर आपने मना किया, आप मैं फिल्म जरूर देखकर ही आऊंगा। चलता हूँ। चलो मामा जी। मैं कब से तैयार बैठा हूँ? ये जब पेट में था तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा घूम गया है, मैं समझ ही नहीं पाया ये कैसे नालायक को जन्म दिया है तुमने। उसको ये सारी बातें आप ही सिखाते हैं और दोष मुझे देते हैं। संडे के दिन भी एडमिशन सकता है, कैसा प्रिंसिपल है यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट के लिए क्वालिफिकेशन से ज्यादा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने लगा दिया है, दूसरा तुम नहीं लगा लोगे। रैंक से ज्यादा रेस्पेक्ट होता है। दैट इज पुल्ला राव, प्रिंसिपल पुल्ला राव, दैट्स ऑल। रामनाथ जी। राजा, राजा रामनाथ, राजा मत भूलो। कहो क्या चाहिए? सीट। आप ये सीट खाली करके देंगे? मुझे इंटरव्यू लेना है। ये कॉलेज हमारा है, मेरे दादा राजा रामनाथ बहादुर ने इतना बड़ा कॉलेज बना कर दिया है। तुम और तुम्हारे मैनेजर ने मुझे घटिया प्यून की नौकरी दी है। ये कुर्सी भी मेरे दादाजी ने दी है। राजा रामनाथ जी, आप अपने दादा के बारे में रोज बोलते हैं और मैं सुनता हूँ। फिलहाल आप इस सीट को खाली करके बाहर जाके स्टूडेंट्स को बुलाएंगे तो हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। कमांडिंग है? डिमांडिंग भी नहीं है, रिक्वेस्टिंग। तो फिर ओके। नंदिनी, गुड मॉर्निंग, अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। यहाँ तो बहुत स्टूडेंट आए हैं भांजे, पहले ही मेरी उम्र बढ़ गई है। तुझे क्या लगता है मुझे सीट मिलेगी? पहली पिक्चर की टिकट नहीं मिली इसका टेंशन है और तुम टेंशन और बढ़ा रहे हो। हे भगवान। ओके नंदिनी, तुम्हारी सीट कंफर्म है। थैंक यू सर। वेलकम। सीट मिलेगी या नहीं मुझे टेंशन हो रहा है यार। पता नहीं तुम्हें मिलेगी या नहीं पर मुझे जरूर मिलेगी। तुझे कैसे नहीं मिलेगी यार, तू तो बड़ा खिलाड़ी है, तुझे सीट मिल जाएगी यार। एक्सक्यूज मी सिस्टर, सिस्टर। या व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सिस्टर नो इंग्लिश ओनली हिंदी। अंदर क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चंस। वो क्या है जरा बताएंगे क्या? सिर्फ क्वेश्चन से बताना पड़ेगा या आंसर भी बताऊं? ये बात आप ही सोचकर बताइए सिस्टर। ठीक है, लिख लीजिए। बताइए, इंडिया को आजादी कब मिली? हाँ, क्या बोलना पड़ेगा सिस्टर? 1857 से आजादी की लड़ाई शुरू हुई, 1947 में आजादी मिली। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, कौन है सिस्टर? उस वक्त भुट्टो थे, अब जरदारी हैं। नेक्स्ट, यूथ किस वजह से बिगड़ रही है? हाँ, उसके लिए क्या बोलूं सिस्टर? सिगरेट पीने से, शराब पीने से, लड़कियों के साथ घूमने से। उसके बाद क्या है सिस्टर? इतना ही, बस इतना ही है। नो, आ रहा हूँ सर। थैंक यू सिस्टर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, अच्छे से तैयारी की है ना? बहुत अच्छी तैयारी की है सर। पर इसका क्या प्रोसेस होगा सर? सर मेरे आंसर बोलने के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपके क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे आंसर देना पड़ेगा? आपको कैसे ठीक लगता है सर? मुझे सब ठीक लगता है। ओके सर, आपको जैसे ठीक लगे वैसे ही सही, इसे देखने की जरूरत नहीं। थैंक यू। तुम कब पैदा हुए? 1856 में स्ट्रगल शुरू हुई, 1947 में पैदा हुआ सर। सीट मिलेगी ना? तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेनू? पहले मुशर्रफ था, अब जरदारी है, सीट मिलेगी ना सर? ये बताओ इस कॉलेज में ज्वाइन होकर क्या करना चाहते हो तुम? बताता हूँ सर, सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़कियों के साथ घूमना, सीट देंगे ना सर? तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी रुकने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। मुझे सीट मिल गई है ना सर? चुपचाप निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तुम्हें सीट नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे आप? आपके पूछे गए हर सवाल का फटाफट उसने जवाब दिया है। रामनाथ जी, इसने जो भी जवाब दिया है सब गलत है। यही जवाब लड़की ने दिया तो आपने सीट दे दी? इससे पूछे सवाल अलग है, उस लड़की से पूछे सवाल अलग है। मतलब इसने जो जवाब दिए वो सही थे, आपके पूछे गए सवाल ही गलत है। रामनाथ जी आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ नहीं जानते, बीच में इसका मत बोला कीजिए, बहुत टेंशन हो रही है। तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारा बताता हूँ। क्या बताएंगे आप? वो ऐसे ही बकवास करता है, तुम कल से कॉलेज आ जाना। कैसे सर? शाम को घर पे आना, बताऊंगा। जितेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यू मिस्टर जितेंद्र? पुल्ला राव। सेम क्वेश्चन है ना, इस लड़के से मैं पूछता हूँ। ठीक है, पूछिए। असल में कॉलेज मेरा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हम लोगों को आजादी कब मिली? मेरे पैदा होने से पहले जो हुआ है वो मैं कैसे बता सकता हूँ? सही है पुल्ला राव। अब दूसरा सवाल पूछकर दफा कीजिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? पड़ोसी देशों की बातों से हमें क्या लेना सर? बिल्कुल सही है पुल्ला राव। तुम एक नौजवान हो, बताओ नवयुवक लोग बिगड़ क्यों रहे हैं? बेकार रहने की वजह से। पर बेकारों की तरह क्यों रहना पड़ता है? वो इसलिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ाई करने के लिए सीट नहीं दी जाती। नहीं देंगे? हाँ तो? बेकारी में शराब की आदत पड़ जाती है, शराब पीने के बाद इसका कारण क्या है पता लगता है, और सीट न देने वाले को मारने का मन करता है। मतलब हमारे पुल्ला राव को मारोगे? मैंने अभी ये नहीं कहा कि सीट नहीं दूंगा। अगर कह देंगे तो आपको मारने के लिए इसका हाथ उठेगा? हाथ से नहीं सर, इसके लिए मैं हमेशा साइकिल चेन या हॉकी स्टिक लेकर घूमता हूँ। रामनाथ जी, इतना अच्छा युवा गुंडागर्दी करे तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। थैंक यू सर। इन्होंने अभी सीट देने के लिए नहीं कहा, वो अब सब समझ चुके हैं। हाँ, यस यस, सीट दे दिया। अच्छा सर, चलता हूँ। जा सकते हो। रामनाथ जी, इस शहर में गुंडागर्दी बहुत हो गई है। हाँ, गौरी जी से मिलना है। चेक, चेस खेला करो। चेस खेलने से दिमाग बहुत तेज होता है। मूव। ये अपन के समझ में नहीं आ रहा है भाई। भाई, सोमराज के लड़के आए हैं। सोमराज? वो कौन है? बांद्रा का घर जो कब्जा किया था ना, उस घर का मालिक है। वो तो मर गया है ना रे, फिर ये कौन है? ठीक है, बुलाओ उन्हें। फिर से चेक। अपन तुमसे नहीं जीत सकता भाई। अबे इसीलिए तो तेरे साथ खेलता हूँ। चल आओ खेल। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या है? आपने हमारे घर पे कब्जा किया है, उसी के बारे में मारने आए हैं। वो तो सोमराज जी का है ना, उससे तुम्हारा क्या संबंध है? चल बे। हम सोमराज जी के वारिस हैं। असल में इस विरासत की वजह से ही देश इस तरह बट रहा है। अरे बाप जी। भाई, कुछ लोग सिर्फ रोजाना 20 घंटे मेहनत करके 4 घंटे ही सोकर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उनके जो वारिस होते हैं ना, रोजाना 20 घंटे सोते हैं, 4 घंटे कहीं रेंग लेते हैं, और इस तरह हम उनके वारिस हैं, इनके वारिस से बोलकर हम जैसे लोगों के पास आते हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी को आजीवन कारावास की सजा हो जाए और वो 7 साल की सजा काटने के बाद अगर टपक जाए, तब तुम लोग, हम उनके वारिस हैं और बाकी 7 साल की सजा हम काटेंगे, कह सकते हो? नहीं कह सकते। सिर्फ संपत्ति और पद के लिए ही वारिस आते हैं। जिसका हल उसकी जमीन नहीं जानते, उसी तरह इस मुंबई शहर में कब्जा करने वाला ही मालिक होता है। जा सकते हो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, वो 100 करोड़ की तो जायदाद है, कम से कम 50 करोड़ तो दे दो। अगर ना दो तो कोर्ट जाएंगे भाई। चेक। बहुत करते समय बीच में बोलने के लिए बना क्या था मैंने? क्या है, क्या चाहते हो तुम लोग? ये बात नहीं है सर, हमें कुछ भी देंगे। अरे कोर्ट में जाओ ना, वहां जज साहब तुम लोगों को दिला देंगे। जाओ। ए, चलो यहां से निकलो। हे बाप जी, इधर आ। डरने वाली बात नहीं है ना, इनका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है ना? डरने की कोई बात नहीं भाई, ये दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं। होशियारी से रहना होगा। अरे छी, उनको डराने के लिए इसे मारना पड़ा। ए, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो इधर आ। अरे
अरे अरे अरे अरे अरे क्यों बेटी, इंटरव्यू हो गया ना? हो गया पापा। सीट मिल गई ना? हाँ मिली। गौरी शंकर की बेटी हो? अरे तुम्हें नहीं तो किसे देंगे? मैं आपकी बेटी हूँ, कॉलेज में कोई नहीं जानता। मेहरबानी करके मालूमत होने दीजिए, मुझे नंदिनी बनकर ही पढ़ने दीजिए। देखा, ऐसी होनी चाहिए वारिस। इतनी सी थी तब से मेरा बैकग्राउंड नहीं चाहती। तुम जाओ बेटी, जाकर नाश्ता कर लो, जाओ। हाँ पिताजी की तबीयत कैसी है? अरे माँ मैं हर वक्त वहाँ आना चाहती हूँ, तुम जानती हो ना माँ इनके बारे में? कौन है माँ? नानी माँ है क्या? ये लो नानी से बात करो। नानी माँ कैसी हो? तो कैसी है बेटी? मैं बहुत अच्छी हूँ, कॉलेज में मुझे सीट मिल गई है नानी माँ। ये बात है, कल से कॉलेज में बिजी हो जाऊंगी। नाना जी है क्या? नहीं है बेटी, अभी कहीं बाहर गए, अभी आते ही होंगे। माँ हाँ? वो आ गए, मैं बाद में फोन करती हूँ। तेरी तो, तू जूनियर है, सीनियर से टक्कर लेता है। 95, 96, 98, 99, 100 क्या है? चल बे, न्यू एडमिशन है क्या? हाँ तो। अरे देख, ये तो शिवा फिल्म के नागार्जुन जैसा लगता है ना। ऐसे लगता है भाई। अरे कॉलर तो खड़ा कर ले, और अच्छा लगेगा। ए पैंट उतार। तुम्हारी भाई, एक मिनट अभी उतारता हूँ। रवि इसको ले जाकर एक घंटा लेटरिन में बिठाओ। अरे भाई ऐसा मत करो, मैं वहां नहीं बैठ सकता। उतारना। टैंटिक्स टाइट फिट। अरे इसका सामान भी बड़ा भारी है यार। ए तू साइड हो जा। हेलो, न्यू एडमिशन है क्या? ये लड़की बिल्कुल माधुरी जैसी लगती है ना। रिबोक शूज, किलर जींस, टाइटन वॉच और ब्रा। ब्रा कौन सी कंपनी की ये तो बता दे। तेरी बहन जो पहनती है ना, उसी कंपनी की। क्या बोला? तेरी बहन जो पहनती है ना, उसी कंपनी की। कितना घमंड है तुझे, कॉलेज में अभी अभी नया नया। अरे विकी, विकी क्या हुआ? अरे विकी, विकी क्या हुआ यार? क्या हुआ तुझे यार? क्या हुआ तुझे? अरे इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो एक घंटे में मर जाएगा। आप आइए। आज से यार इसी क्लासरूम में एक साल तक चलना पड़ेगा। छी छी। हाय हाय, हम नीलिमा, नंदिनी। डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजू। पर लगते हो काजू। शट अप। पहले आप अटेंडेंस लीजिए सर। क्यों? प्रेजेंट कहकर भागने के लिए? आज तो कॉलेज का पहला दिन है ना सर। तो फिर कल से क्या करोगे? ये आप खुद देख लीजिएगा सर। ओहो ये बात है। हाँ आप अपने नाम बताओ। दीपक कुमार सिंह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उन्होंने मुझे बोला है। मैंने भी उनको ही बोला है, तुमको नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी संस्कृति संप्रदाय को। सॉरी सर, मैं चेकिंग समझाता। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है तुम ही बोलो। डियर स्टूडेंट। बाप रे, अभी तक तीन बार बोल चुके हो, आगे तो बोलिए। सुनो या ना सुनो, मुझे जो बोलना है मैं बोल कर रहूंगा, तुम बीच में मत आओ। तुमसे भी कोई नहीं बोलेगा, सब चुपचाप सुनो। हर साल की तरह हमने इस साल भी अपने कॉलेज में फ्रेशर्स डे मनाने का प्रोग्राम बनाया है। उसमें कहानियां, कविताएं, ड्रामा, गाना बजाना, खेल कूद सब कुछ रहेगा। जिसको इंटरेस्ट हो ऑफिस में नाम लिखा है, इसको नहीं मुझे। नाउ योर रनर। हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत से रात और दिन एक करके सुबह शाम तकलीफ सह के और अपना खून पसीना बहाकर बिना खा पिए भूखे पेट रहकर हम सब लोगों को उन्होंने आकर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। और आप इसे नाटक ड्रामा कह करके हमारी जिंदगी से खेलना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए प्रिंसिपल साहब, हमारी फीस हजारों हजार हसम करके एक दिन भी हमें ढंग से पढ़ाए बिना ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ऐसा झूठा विश्वास देकर आज क्लासरूम में आकर हम लोगों को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है मैं पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय। जय हिंद। बहुत अच्छा किया रामनाथ जी, इससे हम लोग फ्रेशर डे के दिन मिमिक्री का प्रोग्राम करवाएंगे। अरे तू कैसे यहाँ आ गया? तुझे सीट किसने दी? मैंने दी है। आपने? फिर मेरे दस्तखत? तुम कोई कमिश्नर हो जो तुम्हारा दस्तखत चलेगा? मैंने अंगूठा लगा दिया है। आप हर जगह इसे अपना अंगूठा नहीं लगा सकते। उसने 10,000 दिए थे, तुम्हारे लिए 5,000 की अंगूठी बनवाई है। जिन्हें इंटरेस्ट है ऑफिस में आपका नाम दे सकते हैं। पहले भी बोल चुके हो ना, अब चलो। भाई यही है वो। हाँ जी, लगता है वो लोग हमें टपकाने आए हैं, चलो भाग चलते हैं। तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अच्छा, गाड़ी फुल रेस में रखना। ओके।
इसको मारने के लिए बुलाया गया? एक ही मार में मजा आएगा बेटा। छोटे, तुझे देखकर मारने का मन नहीं करता, मेरे आदमी को सॉरी बोलकर खामोश निकल ले। नहीं बोलूंगा। ये देख मसल, देख मेरे, रोज का 18 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, 28 अंडे खाता हूँ और कुछ नहीं करता, मसल डालूंगा। मेरे आदमी को सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। ये मेरा ताई, देख तू मेरे ताई जितना है, मर जाएगा। चल अब चुपचाप सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी बोल, मेरे आदमी को सॉरी बोल दे। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? गुंडों से क्या काम? कॉलेज में दादागिरी करना चाहता है क्या? ए, हमारे ऊपर कोई हाथ न डाली, इसलिए हमें एक होना चाहिए, पर हम आपस में लड़कर इन गुंडों को अंदर बुलाते हैं। अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो जान ले लूंगा तेरी। Excuse me, I'm sorry. मेरी वजह से ये सब हो गया ना, आप इसे भूल जाइए। एक 500 रुपए उधार मिलेंगे। किस लिए? इस साइलेंसर की बात पापा जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, रिपेयर कराने के लिए। ओके ओके ओके, लीजिए। सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं। गंगूबाई, हाँ शायद जीतू आ गया है, जाकर पानी गर्म कर दो। अच्छा मालकिन, बंदिशों में रहना कभी ना मैं चाहूं, मस्ती से
ये मेरी फेवरेट शर्ट है, सर्फ में डालो या एरियल में डालो, शर्ट चकाचक चमकनी चाहिए। भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। जरा रुकना, ये दा कैसे है? दीदी वो जीतू का किसी से? सच बता, पापा की मेहनत को देखकर जीतू कोई मोटर गैरेज में काम कर रहा है ना? सच बोल। हाँ। तो बोल क्यों नहीं रहा है? दीदी माँ का दिल क्या होता है तुमने एक शब्द में कह दिया है। तुम जैसा सोचती हो वैसा हीरो नहीं है, जाओ जाके अपना काम करो। क्या दीदी तेल में बनाया है, घी में नहीं बना सकती थी क्या? अरे घी में नहीं, तेरे लिए घास पे बनाना चाहिए। सॉरी जीजा जी, मैंने आपको आते नहीं देखा। ये क्या पढ़ रहा है तू? स्टार डस्ट। कौन सा डस्ट? स्टार डस्ट। इसे पढ़ने के बजाय कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता तू? पढ़ू तो? अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मिलेंगे तो? अच्छी रैंक मिलेगी। हाँ तो? अच्छी नौकरी मिलेगी। मिलेगी तो? तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। अब मैं कैसे जी रहा हूँ? अरे थोड़ा आराम से खा, नहीं तो मर जाएगा। ऐसे पैर मत हिला, मेरी गलती है, बाप दिन रात मेहनत करके कमाता है। अच्छे से पढ़ लिखकर तुम अपना नाम रोशन करना नहीं चाहते, समय पर खाते हो, दिन भर आवारागर्दी करते हो। सुनिए जी, आप उसे नजर मत लगाइए, आपकी नजर से वो कितना कमजोर हो गया है। कितने अच्छे से उसकी ये कमजोर हो गया है, ऑल सेशन कुत्ता हो गया है। हट यार, आराम से खाना भी नहीं खाने देते, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो पांजे, मैं भी आता हूं। क्यों आप इसे देखते ही इस तरह से डांटने लग जाते हैं? देखिए अब बिना खाए चला गया मेरा बेटा। वो मेरे डांटने की वजह से नहीं चला गया है, खाना खत्म हो गया इसलिए गया। ठीक है, अब कुछ कीजिए और इसे घर से बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है? लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कब है? नहीं, इसे कुछ नहीं जानती, इसे घर से बाहर मत जाने दीजिए। बेटा जी तू कहाँ जा रहे हो? बेटे नहीं बता सकते कहाँ जा रहे हैं। बेटा जी तू हाँ बोलो। ये 500 रुपया लो और आज सारा शहर घूम कर आ जाओ। ले लो ना बेटा। ठीक है, इस बार मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बड़ा अच्छा सेट बनवाया है, फिल्मी सेट की तरह। ड्रेस कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ चश्मा मेरा है। अरे छोड़ो यार बेकार की बातें, अच्छा है, फ्री की चीज अच्छी होती है। इस तैयारी में 2 लाख रुपए घुस गए हैं मैनेजमेंट के। रामराज जी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने मेरा ड्रेस क्यों पहन रखा है? ये ड्रेस भी आपका? इसके लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए जितने भी लोग आए हुए हैं आप उनके खाने का उचित प्रबंध कर लेते तो फिर मैं क्या करूं? असल में ये ड्रेस रखने वाले को मारना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों उससे क्या मतलब? हाँ। किसी दिन फ्रेशर्स डे, किसी दिन लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, मे डे, टू डे, कुत्तों का डे, बिल्लियों का डे। इन घटिया डेज की वजह से मैं अपना बर्थडे नहीं मना पा रहा हूँ। क्या करते हो? आज के दिन मेरे बर्थडे को एड्स डे बना दिया है। हेलो आंटी। हाय, आज कौन कौन परफॉर्म कर रहा है? अपनी नंदिनी और एक लड़का जितेंद्र। आइए आइए आंटी। रामनाथ जी आप जरा मेरे पीछे पीछे आइए, नहीं तो सब आपको ही प्रिंसिपल समझेंगे। क्यों? अब लोग तुम्हें प्यून समझेंगे तो इसमें बुराई क्या है? तुम ही मेरे पीछे आओ। ए जी तो तेरे लिए कोई आया हुआ है क्या? है सर। देखो तुम बहुत ओवर कर रहे हो। क्या किया मैंने? तुम नंदिनी के साथ कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहे हो। वो गाना था भाई, ऐसा करना पड़ता है। ए, वो लड़की कौन है जानते कौन हो है? गौरी की बेटी है। इस लड़की के साथ तुम्हें सब करना छोड़ दो, दोबारा उसे देखना भी नहीं और उसे बात भी मत करना। उसी लड़की को देखूंगा, उससे बात भी करूंगा और उससे प्यार भी करूंगा। तूने मुझे मजबूर कर दिया, तूने मना किया ना, इसलिए मैं उसी लड़की से प्यार करूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस बात को भाई से बताकर इस समय काट डालूंगा। इस झगड़े को तुम यहीं भूल जाओ, कॉलेज में तो स्टूडेंट ऐसे ही क्लोज रहते हैं, बेकार में इन दोनों के बीच ऐसी बातें पैदा मत करो। इस बात का अगर उन्हें पता चला मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। जहाँ भी देखे तो हमें लगता है कि वो हमें देख रहा है। अपनी फिलॉसफी छोड़, जीतू मुझे ही देख रहा है। देख तो रहा है लेकिन तुम्हें देख रहा है या मुझे देख रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन वी डू H2O प्लस 5 एंड देन इट इक्वल जरा आगे बैठ ठीक है एंड देन इट इक्वली गोज टू 2H2 प्लस O25।
मामा जी तुम चलो। ओके ओके। क्या है लाइन मार रहे हो? लाइन क्या मतलब? ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते। क्लास में तुम मुझे क्यों देख रहे थे? हाँ मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं? नहीं देखा। झूठ मत बोलो। तुमने देखा है? नहीं देखा। तुमने देखा है? नहीं देखा। तुमने देखा है? मैंने देखा। तुम कैसे जानती हो? कैसे नहीं जानती, तुम्हें देखते हुए मैंने देखा है। ओ, फिर तुमने मुझे क्यों देखा? तुम मुझे क्यों देख रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें देखा था। हाँ वही तो, मैं भी तो वही देख रहा था। ए, बात को मत बदलो। तुमने जानबूझकर मेरी तरफ बार बार देखा है। ओफो, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्लास में इतनी सारी लड़कियां होने के बाद भी मैं तुम्हें ही जानबूझकर बार बार क्यों देखता हूँ बताओ? अरे ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें ही देखा है ना, किसी और से पूछूंगा तो क्या ठीक रहेगा? बोलो मैंने तुमको ही क्यों देखा? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो अब क्या करेंगे? ठीक है सच में मैंने तुम्हें ही देखा, क्यों देखा ये हम बाद में बात करेंगे। ओके चलता हूँ। ये क्या है राज साहब? सुना है आपकी लड़की से कोई मैकेनिक प्यार कर रहा है? छी, ये बहुत गलत है। बाप जी को भेज रहा हूँ, उसका डिटेल्स दे दो। हाँ बाप जी। भाई राज से मिलकर उस मैकेनिक का बैकग्राउंड क्या है पता करो। हाथ पे तोड़ दो उसका। ठीक है भाई। ए मलेश, मलेश, मलेश। भाई आप कैसे आए भाई? ये सब अंदर नहीं कर सकते क्या? तेरी जरूर है। नहीं भाई जाएंगे क्या? अरे चुप। ए बाप जी। भाई ये बनाता देसी शराब है, पीता है इंग्लिश, इसका ही काम ठीक है रहे? रोज नहीं पीता भाई, आज मेरा बर्थडे है इसलिए पी रहा हूं। अच्छा बता, मैंने मस्तान को टपकाने के लिए बोला था, टपका दिया क्या? टपका दिया भाई। तूने जो बोला अगर मैं मान लूं तो सच है, ना मानो तो झूठ है, इसे मान लूं क्या? उसे मार दिया भाई। इसे मान लूं क्या? इसे मान लूं क्या? मस्तान तो मुझसे गलती होगी भाई। क्या रे, तूने मुझसे धोखा किया? तू इस बात को जानता था ना? गलती हो गई भाई, मुझे छोड़ दो। अरे आंखों से पेशाब क्यों निकाल रहा है? डर लग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे डर लगे तो नीचे से करने का रे, आंखों से नहीं। अच्छा मैं बताऊं तू रो क्यों रहा है? अगर मौका मिले तो अभी इसी पल तू मुझे यहीं पर टपका। नहीं भाई। सही कराऊ ना, इसीलिए तू रो रहा है ना? अरे धोखेबाजी भी दो किस्म की होती है, एक तो सामने वाले के साथ करना, मारना काटना रेप करना ये सब है, और दूसरा खुद अपने आप के साथ करना, सिगरेट पीना शराब पीना और तुझ जैसे भरोसा तोड़ने वाले को साथ रखना। नहीं भाई। क्या रे, मैंने तो तुझे सिर्फ चेस सीखने के लिए कहा था और तूने तो मुझे ही चेस करने का प्लान बना लिया। ए मस्तान, मेरी कब्जा की हुई जमीन तूने कब्जा किया है इसलिए तुझे टपकाने को बोला था, तेरे से पैसा लेकर मेरे साथ इसने धोखा किया, कल ऐसा ये तेरे साथ भी कर सकता है। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, इसको मार डाल। अरे ले ले यार, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, टपका दे इसे। नहीं, नहीं भाई। ये कैसा आदमी बाप जी, गन दिया तो बजाय मुझे मारने के इसे मार दिया। अरे पागल, मुझे मार देता तो तुम दोनों जिंदा बच जाते, तेरे अंदर भेज आएगी नहीं। अरे बेवकूफ, ऐसा काम करते वक्त सामने कौन खड़ा है ये देखना तेरा काम है ना? हराम हराम खोर, हमेशा टेंशन देते रहता है। बहन जी सुनो, बहन जी तुमने इसे मारते हुए अपनी आंखों से देखा है ना, इसीलिए तुम इसको मारोगी। अरे आओ ना, चल मार इसे, बाकी सब काम करने आता है ना। मार। देखो अब इन हत्याओं से तेरा भी संबंध है, अगर कहीं मुंह खोली तो तू भी फंसेगी। चल जा। ये क्या, मार दूं तो टेंशन, ना मारूं तो टेंशन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आपको टेंशन नहीं लेने का भाई, आप उन लोग का देख लेगा। मान लूं क्या भाई? तो फिर क्या करूं? टेंशन देख ले। देवी। हाँ? काना लगा दो। नंदू आओ तुम भी खाना खा लो। नहीं मम्मी। सुनो नंदिनी रोज कॉलेज से सही समय पर आती है ना? आती है, आपको उस पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास से काम नहीं चलता, ये उम्र ही कुछ ऐसी है, नौजवान लड़की है ना, प्रेम विरेम के चक्कर में पड़ गई तो मेरी टेंशन में एक और टेंशन खड़ी हो जाएगी। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है जी। तुम अच्छी नहीं हो क्या? तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया? प्रेम अच्छे बुरे में फर्क नहीं जानता, हमको इस मामले में सावधान रहना होगा, उस पर नजर रखो।
कहाँ जा रही हो? क्लास में। बाद में चले जाना, मेरे पास एक लव लेटर है, बोलो किसको दूँ तो ठीक रहेगा। मैटर में बहुत जान है, खून से जो लिखा है मैंने। रानी को दे दूँ? नहीं नहीं, उसका तो पहले ही किसी के साथ चक्कर चल रहा है। निर्मला मेरे लिए कैसी रहेगी? सुजाता, बाप रे वो अपने रेंज की नहीं है, बताओ ना किसको दूंगा तो सही रहेगा। सत्यवती, प्रभावती, नागलक्ष्मी, वाहिनी। एक काम करो, तुम ही इसे रख लो, इसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। क्या बकरा है तू? ऐसा मत बोलो। तुमने क्या कमी है? सत्यवती से थोड़ा तो खा लियो बस। है? मैं इतना नहीं चल सकता क्या? आराम से पढ़ लो। कहा ना मैंने ये मैटर तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। ये लो रखो, पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, बाद में बताना टाइम लेकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज ये पुल्ला राव आप लोगों की स्पेशल क्लास लेंगे। अब आप जा सकते हैं। नहीं जाऊंगा, तुम लेशन कैसे पढ़ाते हो मैं भी सुनूंगा। सुनिए बैठिए, ये क्या मुसीबत है, हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या कहा? कुछ नहीं, बैठिए। आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ मैथमेटिक्स का है। अरे बेनू सर, अलजेब्रा का मतलब बताओ। सभी जेब्रा एक जगह जमा हो जाए उसे अलजेब्रा कहते हैं। बहुत अच्छा कहा, अलजेब्रा। मामा जी देख रही है क्या? हाँ देख रही है। इधर ही देख रही है क्या? आंखें पाड़ कर इधर ही देख रही है। अभी भी देख रही है? अरे कहाँ ना, इधर ही देख रही है। ये इससे क्या हो गया? चीतू मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। कल वो देख रहा था तो तकलीफ थी, आज नहीं देख रहा है तो तकलीफ है। मुंह बंद रखो, लेसन सुन। चपड़कंजू, क्या हुआ? उधर वो बोर कर रहा है और इधर इसकी कमेंट्री से मेरा सर दर्द कर रहा है। चलो बाहर चलकर घूमते हैं। प्रिंसिपल है वो, जान से मार देगा। स्कूटर चलाने के बहाने भाग। क्या हो रहा है? मैं यहाँ सीरियसली लेसन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग फालतू बात कर रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सच बोलो, इस पुल्ला राव से झूठ बोलोगे तो पछताओगे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना सर। हम और आपका मजाक, हम जैसे निकम्मे आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं सर? आप ही कुछ बोलिए ना रामनाथ जी। तुम निकम्मे नहीं हो दोस्त, चालाक हो। हमारे कॉलेज की इज्जत रखने वाले बगुले हो, हमारे दादाजी के बनाए हुए कॉलेज के पेड़ के कौए हो। रामनाथ जी अब और अपनी तारीफों के पुल मत बांधिए, अब तू बोल। सर मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। कॉलेज में आने के लिए मैं अपनी स्कूटर में बैठ गया, स्टार्ट किया, हैट्रिक। स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे करो पूरा नीचे झुकाया, खड़ा करके फिर स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। पेट्रोल कम था, कहीं आगे जाकर रुक ना जाए इसलिए मैंने फुल रेस किया, फुल स्मोक। उस धुएं में से धीरे से वेनू एक आवाज आई। किसकी थी आवाज? मेरी थी सर। तुम यार कॉलेज जा रहा है क्या? हाँ यार। रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी कर, तू लेट हो गए तो प्रिंसिपल साहब डांटेंगे। फर्स्ट गियर लगाया खच और स्कूटर पर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। सर स्कूटर मेरा है सर। तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पीछा करो, जाओ। रुको रुको, रामनाथ जी ये लड़के अब तक क्यों नहीं आए? एक्सीडेंट हो गया होगा। एक्सीडेंट? तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए देखते हैं। राव, वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना के चले गए। क्या है, स्कूटर के बहाने वो लोग क्लास छोड़कर चले गए। क्या कहा, ये सब नाटक था? मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है रामनाथ जी। इतने भोले हो तुम, प्रिंसिपल कैसे बन गए भाई? ये भी मैं नहीं समझ पा रहा। बाद में ले लेना। बड़े भैया प्लीज जरा वहां जाके बैठ जाइए। इसलिए प्लीज भैया। ओके। नीलिमा वो देख रहा है? नहीं देख रहा है। पर वो क्यों नहीं देख रहा होगा, जाकर पूछूं क्या? चुप कर। नंदनी अब तुम अपने दिल में क्या सोच रही है बताओ। क्या सोच रही हूँ? कल तो जीतू मुझे बार बार देख रहा था, आज क्यों नहीं देख रहा है ना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। दिल में छुपी बातें लड़कियाँ कभी नहीं बताती, मैं जानता हूँ तुम यही सोच रही हो। जीतू ओके, मैंने तुम्हें नहीं देखा ये सच है, क्यों नहीं देखा ये फिर कभी बताऊंगा। ओके बाय। इसे क्या हो गया, कभी देखता है और कभी नहीं देखता, कुछ पूछूं तो फिर कभी बात करेंगे कहता है। दरअसल ये मेरे बारे में सोचता क्या होगा? अरे वो कुछ भी सोचे, मुझे क्या लेना देना। ये बात नहीं है, कल वो मुझे बार बार देख रहा था ना, लेकिन आज क्यों नहीं देख रहा है, क्या मतलब है इसका? जीतू से प्यार हो गया है। छी छी, लवर उससे? किया जिसमें भी मोहब्बत, बंदगी
सुना तुम दिल की बातें। फिल्मी गाने कभी कभी मुझे सच्ची लगते हैं। लगता है ये तेरे लिए ही गा रहा है। अपना मुंह बंद रख। मतलब क्या तू उससे प्यार नहीं करती? नीलू, तेरे कहने से या उसका मेरे लिए गाना गाने से मैं किसी के प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। समझ गई ना? मैं जीतू से प्यार नहीं करती। ठीक है, तुम्हारे प्रेम कहने से मुझे क्या लेना देना। बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। बाय, सी यू। भांजे, तू नंदिनी से प्यार करता है या टाइम पास कर रहा है? प्यार कर रहा हूँ। अगर ये बात है तो कभी देखना कभी नहीं देखना, ये सब करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट जाके आई लव यू क्यों नहीं बोल देता? चप्पल निकाल के मारेगी। मैं कोई आमिर खान हूँ या अमिताभ बच्चन हूँ तो मैं आई लव यू बोलूँ और वो आई टू बोलेगी? हम जैसे उसे प्यार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मामू, अभी तो अपने बारे में सोचेगी। भांजे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। यू आर सो लकी। तुझमें इस मामा की सब समझदारियां आ गई हैं। नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, चलो चलते हैं, मंदिर जाना है। ये क्या पापा, शंकर भगवान के मंदिर को छोड़कर आप साईं बाबा के मंदिर में क्यों आ गए? वो क्या है बेटे कि तुम शनिवार को डिस्को में जाते हो ना, तुम्हें तो नहीं बदल सकता, इसलिए भगवान को ही बदल दिया। हाँ, आप ऐसे ही कहते रहिए, वो अब गुरुवार को भी कोई प्रोग्राम फिक्स कर लेगा, तब पता चलेगा। नमस्ते सर, मैं इस मंदिर का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। आइए आइए सर, आइए। आइए पुजारी जी, पहले इनकी पूजा करवाइए। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। भगवान, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे रास्ते में कोई ना आए। बेटा, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो ना, आंख क्यों बंद कर रहे हो? आंख खोल के भगवान को देखो। भगवान को आंख खोलकर देखने से उनकी कीर्ति लेने की इच्छा होती है, दिलवाएंगे। भगवान का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, इतनी हिम्मत कुछ जैसे गलती करने वाले में नहीं। जानकर भी गलतियां करने की क्या जरूरत है, छोड़ सकते हो ना। मैं नीतियां कहना जानता हूँ लेकिन सुनना नहीं जानता। आदमी को गलतियां करनी चाहिए, भगवान को क्षमा करना चाहिए, पुजारी को पूजा करनी चाहिए। करेंगे। ओम साईनाथाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। अगर उसका बाप देख लेगा हाथ काट डालेगा। काटने दो ना, मेरा हाथ है, तुमको क्या प्रॉब्लम? तेरा हाथ हमेशा मेरे कंधे पर ही रहता है। चुप कर। साई राम। क्या तुझे आंख से दिखाई नहीं देता? हाँ, तेरा बैकग्राउंड क्या था? तू करता क्या है? मंदिर के बाहर मेरी दुकान है। हाँ? मंदिर के बाहर फैंसी शॉप है। गौरी को जानता है तू? वो मैं हूँ। फैंसी स्टोर और किराना की दुकान वाले को देखकर चलना पड़ता है। जान से बांटूंगा। तेरा सर फूटने वाला था, उसका सर फूट गया। तू नंदिनी को भूल जा यार। अब तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अगर प्यार करना है तो ऐसी आदमी की बेटी से करो। क्या कहा? इंडिया अगर क्रिकेट खेले तो पाकिस्तान से ही खेले, बांग्लादेश से खेलेगा तो क्या मजा आएगा। चल चल। मंदिर में गुंडागर्दी किस लिए? मासूम लोगों को क्यों मारते हैं आप? ताकतवर को मारूंगा तो क्या वो चुप बैठेगा? वो भी मारेगा। अगर एक मासूम को मारूंगा तो ताकतवर भी देखकर डरेंगे। पर आपने उसे इतना किस लिए मारा? किस लिए मारा है? 20 साल पहले जब मैं तुम्हें लेने आया था, मुझे मारने की कोशिश की थी तुम्हारे बाप ने, उससे पूछो वो बताएगा फादर साइकोलॉजी क्या होती है। मामा जी, तुम्हारा लव लेटर आ रहा है। अरे यार, ये इतने गुस्से में क्यों आ रही है? मारेगी क्या? मारेगी तो हम चुप रहेंगे क्या? क्या करोगे? फौरन हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कमीना कहीं का। हाय। हेलो। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। खून बहुत लाल है ना, इसीलिए तो मैंने एहतियात के तौर पर ब्लड टेस्ट कराया है। लेटर लिखे हुए ब्लड को तुमने टेस्ट करा दिया? क्या रिपोर्ट आई? शुगर, मलेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। लेकिन कैंसर है। कैंसर? ये क्या है, कैंसर तुम्हें है तो ये क्यों गिरा? उसके ब्लड से ही तो लिखा था। हाँ? इसे कैंसर, ये बात मैं नहीं जानता था। जानता तो किसी और के खून से लिखता। आई एम सॉरी सौम्या। कैंसर ब्लड से लिखा हुआ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए कुछ देर के लिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। आओ। तो फिर हम रूम चलकर बंद कमरे में बात करेंगे। मामा जी। क्या है? कॉलेज है। तू अभी बच्चा है, कुछ नहीं जानता, मुंह बंद रख। चलो रूम पे चलते हैं। सौम्या, दरवाजा बंद कर दूं? ओके। मुझसे ज्यादा उतालापन तो तुम्हें है। ए, दरवाजा बंद कर दिया यार। हाँ, दिख रहा है। ए, अंदर वो लड़की कहीं उसकी धुलाई ना कर दे। ए,
मेरे मामा को इतना बुद्धू ना समझ, लड़कियों के विषय में बहुत टैलेंटेड है। ए, हमने जो सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, वो बड़ा खुश होकर आ रहा है। सिगरेट दे यार। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? मैं अंदर जाते उस लड़की से मार खाया यही सोच रहे हो क्या? अरे ये कैसा हो सकता है यार? यही वाला। अरे क्या हो गया? मामा जी अंदर क्या हुआ आपके साथ? अंदर गए, दरवाजा बंद किया। मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगी ये कहा तो मैंने कुछ और ही समझ लिया। मुझे अपना बदन दिखाने के लिए कहा तो मैंने अपना बदन दिखा दिया। फिर उसने मुझे कुत्ते की तरह पीटा भांजे। ऐसे क्या लिखा था उस लेटर में? इसमें फेल लाने के लिए दो ही वल्गर शब्द लिखे थे। शायद उसे यही बात बुरी लगी होगी। उसने तुम्हें नॉनस्टॉप मारा? इंच इंच पर उसने पंच मारे भांजे। ए भरे अब चुप हो जा यार। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। हाय। हाय। जरा हंस के नहीं बोल सकती? फिर कभी मत हंसना प्लीज। ठीक है। कल मंदिर में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लगता है ड्रेस की वजह से। खूबसूरती कपड़ों से नहीं होती। फिर पहनने की क्या जरूरत है, उतार दो ना। तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। अच्छा तुम्हारे पापा की तरह तुम भी बहुत गुस्से वाली हो ना? हाँ। हाँ वो हमारे बारे में नहीं जानते ना। क्या है हमारे बारे में? क्या है भाई जो हम दोनों के बीच में चल रहा है? क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में? क्या चल रहा है? हाँ ऐसा क्या चल रहा है हम दोनों के बीच? जीतू शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। हम दोनों के बीच कुछ तो है पर क्या है पता नहीं, कंफ्यूजन है मुझे। जीतू तुम मुझे बहुत टेंशन दे रहे हो। किसी दिन देखते हो किसी दिन नहीं, कभी बात करते हो कभी बात नहीं करते, और अगर कुछ पूछूं तो फिर कभी बात करेंगे कहते हो। तुम्हें तो मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। अच्छा कूल 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 कूल, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें छूने की वजह से तुम्हारे पापा ने उसे इतना मारा, मतलब तुम्हें केवल छूने से ही मारेंगे? फिर क्या नहीं मारेंगे? तुम्हें छूने पर ही मार देंगे क्या, जैसे उनका राज हो? अगर तुम किसी को छुओ तो? अरे मैं क्यों किसी को छूंगी? अगर मान लो छू लिया तो? नहीं छूंगी। छूलोगी तो? नहीं छूंगी। छूलोगी तो? नहीं छूंगी। प्रॉमिस। नंदिनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वही जिस बारे में हम कहते थे बाद में बात करेंगे, आज वही बात करने का दिन आ गया है। वो सारी बातें अगर आज ही कर लेंगे तो ठीक रहेगा। शाम को 4 बजे कॉलेज की छत पर इंतजार करूंगा, आ जाना। मैं कहीं भी नहीं आऊंगी, ये बात यहीं खत्म कर दोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी, समझे? खत्म कर दूं ऐसा सोचना भी नहीं। नंदू कॉलेज की टेरेस पे 4 बजे जाने के लिए मत भूलना, ओके? प्लीज। ये तो मेरे पीछे पड़ गया। प्लीज। जीतू चाहे कुछ भी करने में कन्विंस नहीं होंगी। हाय। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? जल्दी वापस जाने के लिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? ये प्यार बहुत नाजुक चीज होती है ना नंदिनी? पता नहीं, मैं नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे वाकई सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा ऐसा लगता है। हर वक्त तुम्हारा ही ध्यान रहता है, जिसे देखो तुम ही नजर आती हो, सपने में भी। ये सब बोलना चाहता हूँ पर तुमसे बोल नहीं पाता। ए नंदिनी तुमसे कहूँ तो मारोगी या डांटोगी? जस्ट आई लव यू कहूँ तो डांटोगी तो नहीं, लेकिन डर है, मैं बोल नहीं पाता। सॉरी नंदिनी मैं अब भी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है फिर कभी बात करते हैं। जीतू ज्यादा चालाक मत बनो, और कुछ कहना बाकी है? नहीं नंदिनी मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। देखो तुमने कह दिया और मैं सब समझ गई, लेकिन नहीं तुम उससे प्यार मत करो। क्यों? तुम मेरे बारे में जितना जानते हो ना मेरे पापा के बारे में नहीं जानते। तुम मुझसे प्यार करते हो अगर उन्हें पता चला ना। नहीं जीतू प्लीज। नंदिनी मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा के बारे में नहीं। मैंने जो कहा तुम समझ सकते हो ये मैं जानती हूँ, मेरी बात मानो मुझे भूल जाओ।
तुम मुझे चाहती हो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जीतू प्लीज एक बार तुम मेरे पापा के बारे में सोचो। तुम मेरे बारे में सोचो, मुझ पर विश्वास है या नहीं? नहीं जीतू, तुम मेरी बात मानो प्लीज। तुम मुझे चाहती हो कि नहीं? जीतू प्लीज। चाहती हो? प्लीज। चाहती हो? प्लीज। चाहती हो? प्यार किया तुम सोचो ना, प्यार है का होना, दुनिया से डरो ना, जाने भी दो यार, कल की तुम सोचो ना, होगा जो है होना, प्यार होने दो ना, जाने भी दो यार, प्यार किया तो डरना क्या। ज्यादा तुम सोचो ना, प्यार है का होना, दुनिया से डरो ना, जाने भी दो यार। सदा करना तुम अपने दिल की सदा, किसी से डरता ना, प्यार तो झुकता ना, प्यार है मुस्कुराना, प्यार है दीवाना, प्यार किया तो डरना क्या। ज्यादा तुम सोचो ना, प्यार है क्या होना, दुनिया से डरो ना, जान भी दो यार। सोचो ना, प्यार है का होना, दुनिया से डरो ना, जान भी दो यार, कल की तुम सोचो ना, होगा जो है होना, प्यार होने दो ना, जान भी दो यार, प्यार किया तो डरना क्या। अच्छी Hey, कोई पागल इंसान हो तो भी इस तरह पानी में भीगने से घबराता है, पर तू इस तरह से पानी में क्यों भीग रहा था? क्या तुझे इतना भी पता नहीं है? हाँ तो अब क्या करूँ? फिर कभी इस तरह से पानी में भीगा तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे 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 रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे रुक तो सही, रुक जा। ए जीतू। अरे अरे हाथ जोड़ता हूँ बेटे, चल अंदर चल। रास्ता छोड़ो बेटा, मेरी बात तो मान। अरे बेटा रुक ना। ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी तबीयत खराब है, घर में आराम करने नहीं देंगे। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो बेटे, आओ आराम कर लो। बिगड़ा हुआ इंसान रिस्क लेना जानता है, रिस्क करना नहीं जानता।
इसके पैदा होने से पहले मेरे सर पर पुट्टा पड़ती साई बाबा के जैसे बाल हुआ करते थे। इसके लिए सोच सोच कर अब देखो क्या हो गया है, गंजा हो गया हूँ। आप मेरे लिए क्यों सोचते हो? तुम किस तरह जियोगे यही चिंता है। अगर आप जी सकते हो तो मैं क्यों नहीं जी सकता? तो चल बेटा चल। ए बता ना उसकी बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं जीजा जी, जब आप जैसे सरफिरा इंसान जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं कहा है, जो उसने बोला वही बताया है। गुड नाइट जीजा जी। ऐसे बेटे को कभी जन्म नहीं देना। मामा जी क्या है? प्यार में कितनी मिठास होती है। सबके मना करने पर देखा, सबके मना करने पर उसे बात की, सबके मना करने पर मैंने प्यार किया, लेकिन अब पता चल रहा है नंदिनी के बगैर शायद मैं नहीं जी सकता। ये प्यार भी क्या चीज है मामा? प्यार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, किसी को कहते हुए सुना है दो का पहाड़ा पड़ने जैसा आसान है, दूसरे विश्व युद्ध जितना मुश्किल है। प्यार के लिए हर मुश्किल सह सकते हैं, सारी दौलत लुटा कर भी प्यार नहीं मिलता मामा जी। दौलत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उनसे मिलने वाले जख्मों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाप रे, क्या बेटा तू अभी तक सोया नहीं? ये क्या है मम्मी? साई बाबा की विभूति है, इसे लगाने से बुखार कम होता है। अब तो आग बंद करके सो जा। मामा जी नंदिनी से बात करनी है, उसके घर फोन लगाओ। हाँ, नंदिनी के घर में इस वक्त फोन करोगे? अगर उसके पापा ने उठा लिया तो क्या होगा? फोन लगाओ। अरे ये बात नहीं है, मिमिक्री से मैनेज करो। करो। हेलो। हेलो, नंदिनी है क्या अंकल? तुम कौन हो? मैं नीलिमा बोल रही हूँ अंकल। इस वक्त क्या काम है? सॉरी अंकल, मैंने सोचा नंदिनी इस वक्त पढ़ रही होगी। उसे बुखार है, एक मिनट। नंदिनी तुम्हारा फोन, बात करो बेटी। नंदिनी को बुखार है भांजे। नंदू को बुखार है? नंदू मैं जीतू। जीतू फोन रख दो। रख दूंगा, तुम्हारा बुखार कैसा है? थोड़ा सा बुखार हुआ है जीतू। तुम्हें देखने का मन कर रहा है? जीतू प्लीज, नीचे मेरे पापा है। लगता किसी ने उठा लिया। नंदिनी किसी ने फोन उठाया क्या? तो मुझे कुछ ऐसा लगा, लेकिन ये तो बताओ तुझे बुखार कैसे हो गया? तूने कोई दवाई ली क्या? कल तुम कॉलेज आ रही हो कि नहीं? उसने फोन रख दिया। बेकार में ही टेंशन में आ गया था इस फोन की वजह से। नंदू कल कॉलेज आओगी ना? आऊंगी, तुम फोन रख दो, पापा ने सुन लिया तो मार डालेंगे। हेलो हेलो नंदू, हेलो। फोन रख दिया मामा, नंदू को देखने का मन कर रहा है, उसके घर चलते हैं। हे, मुझे तो फोन करने में घबराहट हो रही थी, और अब उसके घर जाएंगे तो उसका बापा हमें मार डालेगा। हमारे जिंदा रहने से किसी का फायदा है क्या? कम से कम खुद तुम्हें। हे, तुम्हारी मौत मेरे प्यार के काम आ जाएगी, इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए मामा जी? जीतू देखो अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो सीटी बजा देना। पर क्यों? मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, कम से कम मेरी तो जान बच जाएगी। मेरी तो? ए बड़ों की इज्जत करना सीख। जा। अरे जा जा। टाइम क्या हुआ रे? एक बज रहा है। जी जी वो गाड़ी खराब हो गई है। ए रमेश भाई उतर के देख। ए क्या हुआ रे? मालूम नहीं सर। लगता है खराब हो गई। ए, इधर मत रुकना, चल निकल ले यहां से। जी ठीक है सर। नंदू नंदू
जाऊंगा। ये क्या है? बाबा की विभूति। माँ ने कहा इसे लगाने से बुखार चला जाता है। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर क्या आज की रात यहीं रुक जाऊं? अरे बाप रे नहीं, तुम चले जाओ। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे प्यार करो। नंदू, उसने तुम्हारे दिल में आकर गलती की है और हमारे घर आकर उससे भी बड़ी गलती की है। इस बात की खबर तुम्हारे पापा को हुई तो मार डालेंगे उसे। तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। मम्मी, अब सो जाओ।